जौनपुर के सराय ख्वाजा थाने की पुलिस ने रात के अंधेरे में बाइक लूटने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 3 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके पास से लूट की 2 बाइक, 1 देशी तमंचा और 6 मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं। पुलिस के हत्थे चढ़े इन 3 लुटेरों में से 2 जौनपुर और 1 अम्बेडकर नगर के रहने वाले हैं। आपको बता दें, बीते 30 जनवरी को इन तीनों ने पूर्वांचल विश्वविद्यालय के पीछे पल्सर बाइक से जा रहे एक युवक को बंदूक की नोक पर उससे लूटपाट की थी, जिसके बाद से ही पुलिस को इन तीनों की तलाश थी। जौनपुर से मोहम्मद सोहराब की रिपोर्ट। सिरसा के गांव जेडी में ग्रामीण पिछले 3 दिनों से धरने पर बैठे हैं और उन्होंने खेतों को जाने वाले रास्ते भी बंद कर दिए हैं। उनकी परेशानी का कारण है उनके गांव में बनी मृत पशुओं की फेंकने की जगह। गांव के लोगों का कहना है कि उनकी फसल पहले ही खराब हो चुकी है और अब इन मृत पशुओं को फेंकने की जगह के कारण इतनी बदबू आती है कि वहां काम करना भी दुश्वार हो जाता है और आवारा कुत्तों का इतना डर बना रहता है कि वे अपने खेतों पर भी नहीं जा सकते। उनका यह भी कहना है कि गांव में बीमारी फैलने का भी खतरा है। बार बार जिला प्रशासन को इस बारे में अवगत करा चुके हैं, लेकिन जिला प्रशासन का ध्यान इस ओर नहीं जा रहा है। उनका कहना है, अगर जल्द से जल्द उनकी समस्या का समाधान नहीं किया गया तो वह आत्मदाह करेंगे। सिरसा से विक्रम भाटिया की रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव महिलाओं और युवतियों की सुरक्षा की बात करते हैं, लेकिन महिलाओं और युवतियों को उन्हीं की पार्टी के विधायक वैजनाथ पासवान द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है। पूरा मामला मऊ जिले के रानीपुर थाना क्षेत्र के बिछुआ गांव का है, जहां एक युवती संगीता राजभर ने अपने घर में आटा चक्की की मशीन लगवाई, लेकिन लो वोल्टेज होने के कारण मशीन चल नहीं सकी, जिसके बाद उसने एक 3 फेज का बिजली का तार लगवाना चाहा ताकि उसकी आटा की मशीन चल सके, लेकिन सपा विधायक वैजनाथ पासवान ने तार लगवाने नहीं दिया। इससे नाराज युवती ने ग्रामीणों के साथ कलेक्ट्रेट परिसर में सपा विधायक के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, लेकिन इस पूरे मामले में जिलाधिकारी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। मऊ से सुशील सिंह की रिपोर्ट। कनाडा के कैबिनेट मंत्री अमरजीत सिंह सोही का मंगलवार को मोगा जिले के गांव बट्टर में एनआरआई परिवार नस्तर सिंह के निवास स्थान पर स्वागत किया गया। इस मौके पर उनके साथ मोगा के डिप्टी कमिश्नर कुलदीप सिंह वेद और मोगा के एसएसपी मुखविंदर सिंह के अलावा कई और जानी मानी हस्तियां मौजूद रहीं। इस मौके पर जानकारी देते हुए कनाडा के कैबिनेट मंत्री अमरजीत सिंह सोही ने बताया, कनाडा सरकार भारत के साथ अपने संबंधों को और मजबूत करने के लिए वचनबद्ध है। मोगा से विपिन ओकारा की रिपोर्ट। यूपी के संभल में हर्ष फायरिंग पर कानूनी प्रतिबंध को ठेंगा दिखाया जा रहा है। हर्ष फायरिंग पर बैन होने के बावजूद शादी बारातों में नशे में चूर युवक डीजे पर असला लहराते हुए खूब धाएं धाएं कर रहे हैं। शादी ब्याह या किसी भी उत्सव पार्टी में लाइसेंसी हथियारों से फायरिंग पर पाबंदी जनपद में हवाई साबित हो रही है। लाइसेंसी ही नहीं बल्कि तमंचे जैसे अवैध शस्त्रों से भी खुलेआम फायरिंग की जाती है। हालात इस कदर बिगड़े हुए हैं कि अकेले गुन्नौर तहसील इलाके में सप्ताह भर के दौरान हर्ष फायरिंग में 7 लोग घायल हो चुके हैं। संभल से सद्दाम हुसैन की रिपोर्ट। मामूली विवाद को लेकर तृणमूल कांग्रेस और मकपा समर्थकों के बीच जम के झड़प हुई। झड़प में कई लोग घायल हुए और घंटों यातायात बाधित रहा, जिसके कारण जीटी रोड पर घंटों तक जाम लगा रहा। तृणमूल और मकपा के आपसी भिड़ंत का खामियाजा सिर्फ आम लोगों को ही नहीं बल्कि गंभीर हालत में मरीजों को कोलकाता के किसी अस्पताल भर्ती करवाने ले जा रहे एम्बुलेंस को भोगना पड़ा। एम्बुलेंस भी करीब आधे घंटे तक जीटी रोड पर अटकी रही। हुगली से जय चौधरी की रिपोर्ट।